स्वागत है आप सभी का एसएस न्यूज में, मैं आपके साथ मुस्कान। महाराष्ट्र सहित बेलगाम के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण आलीमिट्टी जलाशय भर गया है, तो वहीं यादगिरी जिले में बसवा सागर जलाशय अपनी उफान पर पहुंच चुका है। आज नारायणपुर जलाशय से तकरीबन 4 लाख क्यूसेक से अधिक मात्रा में पानी बह चुका है और कृष्णा नदी भरकर बह रही है। नदी चरित्र किसानों की भूमि, जिसमें सुरपुर तालुका समेत देवपुर तालुका के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दरअसल खेतों में नदी का पानी बह चुका है, जिसके वजह से फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। शिलगी ग्राम और जाने वाले यहां पर सड़क में जलमग्न हो गया है, हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा है और किसानों को भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो जिला और तालुका प्रशासन की ओर से कड़ी चेतावनी दी गई है। कहा है कि कृष्णा नदी के किनारे बसे गांव और इलाकों में लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। खास तौर पर नदी के किनारे बसे उन घरों में जहां पर पानी बढ़ने के कारण बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ಮತ್ತೆ ವಾಳಿ ರೈತರ ಮುಂದೆ ಕರೆ ರೈತರ ಮುಂದೆ ಕರೆ ಏನು ಬೆಳೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಡದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ಕಾಯಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ ಮಣಕಾಲ ಮಠ ಬೆಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ ಕಾಲ ಏನು ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂದಪ್ಪ ಕೂಳೂರು ಅದ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ ಈ ಶೇಂಗಾ ಮಳೆ ಹತ್ತಿ ವಿಪರೀತ ಮಳೆಯಿಂದ ಶೇಂಗಾ ಲಾಸ್ ಆಗು, ಆಮೇಲೆ ಮಳೆಯಿಂದನೂ ಲಾಸ್ ಆದವು, ಇದು ಇವತ್ತೊಂದು ರೋಗ ಬಿದ್ದನು ಶೇಂಗಾ ಎಲ್ಲ ಶೇಂಗಾ ಹೆಸರು ಲಾಸ್ ಆಗ್ಯವು. ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರು ಬದುಕಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮಿಸ ಕೊಡೋದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಈ ಬೆಳೆ ನಮ್ಗೆ ಕಡಕತೈತಿ, ಕೊರೋನ ಕಡಕತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಕ್ತ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮೂಲಕ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. तो और लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिएगा एसएस